ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਉਹ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲੈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ और इंदे अपना काम कर सिलेंडर कर दे मेरा भरा बढ़िया रहेगा कुत्ते दी मौत नहीं मरेगा। लो जी मैं निखिल शर्मा दैनिक पे पंजाबी टीवी एक बार फिर तुहाडा स्वागत करता हूं। गैंगस्टर रिंदा आजकल गैंगस्टर रिंदा चर्चा में है पंजाब के नामी पत्रकार यादविंदर सिंह जेडे कि प्रो पंजाब टीवी चलाते हैं उन्होंने उत्ते इंटरव्यू देने के बाद होर चर्चा चल रही है पर की रिंदा या फिर रिंदे का नाम लैके कोई हो यादविंदर करफू की इस इंटरव्यू का मिसयूज कर रहा है उसके नाम से डरा रहा है उसके नाम से थ्रैट दे रहा है। मैं नहीं कहता शिवसेना हिंद के राष्ट्रीय प्रधान जेडे कि विवादा च भी रहते हैं निशांत शर्मा कह रहे क्योंकि उन्होंने एक दावा किया कि गैंगस्टर रिंदा ने उन्होंने कॉल की कॉल करके धमकाया तो यह क्या कि अगला नंबर 13 उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसके कह रहा है कि तू मैनू पछाणिया मैं रिंदा कहिंदा कौन रिंदा कहिंदा जी प्रो पंजाब टीवी ने मैनू देखिया इदां दी गल्लां कर रहा सो कई बार जेकर वाकई रिंदा वा तो कई बार गैंगस्टर जिहड़े आ उह इंटरव्यू का भी मिसयूज करना शुरू कर देंगे उसके नाम के उत्ते डराना शुरू कर देंगे उसके नाम से अपनी पछाण के सबूत देने लग पाते कि जेकर वो वाकई रिंदा सी तो फिर कि ना कि मिसयूज का हो गया तो जेकर नहीं सी तो फिर रिंदे के नाम का मिसयूज हो रहा। सो तुम आप ही देख लो जी इस सारी वीडियो के आखिरकार की कह रहे हैं शिवसेना हिंद के राष्ट्रीय प्रधान निशांत शर्मा ते उन्हां वल्लों पेश की गई रिकॉर्डिंग ते स्क्रीन दी वीडियो रिकॉर्डिंग तुसीं सुन लवो पर दैनिक मेल पंजाबी टीवी इस दी वास्तविकता की जिम्मेवारी नहीं लैंदा यह दावा निशांत शर्मा वल्लों कीता गया है तुसीं आप ही देख लो की है पूरा मामला। किहड़ा प्रो पंजाब टीवी और इंदे अपना काम कर सिलेंडर कर दे मेरा भरा बढ़िया रहेगा कुत्ते दी मौत नहीं मरेगा। मैं तैनू कहना कि अगला नंबर 13 ही पाकिस्तान बैठा ही मैं और जिथे मर्जी बैठा तू भावे पाकिस्तान बैठा तो भावे अमरीका बैठा मैं निशांत बोलना अगला नंबर 13 आ पंजाब पुलिस ने 13 नंबर लाना अपना सिलेंडर कर दे बढ़िया रहेगा बंदे की जिंदगी जी लेगा। मैं तैनू कह रहा कि 13 ही ओ छड तेरे वर्गे 20 लौंडे घूमदे आ तेरे वर्गे रिंदे 20 पापड़े तुरे फिरदे आ बोल तेरे वर्गे लौंडे ना पाकिस्तान दा नंबर पा के 20 फोन कर दे मैनू शाम तक लौंडे मैनू अपने बच्चे का ख्याल है मेरा रब मेरे नाल आ पंजाब पुलिस मेरे नाल आ तू लन नहीं फड़ सकदा तेरे वांगो गरीबां नूं मारीदा नहीं भैन जो इनोसेंट बंदे नूं तुसीं मारदे हो इन्ने बंदे मारे तू चंडीगढ़ सरपंच मारिया तैनू की लोड़ सी एवें माड़े बंदे नूं मारन दी अपना सिलेंडर कर दे बाबे दा पहले देखे ना किवें लंगड़ा हो के तुरदा फिर ही बच गया जेल च ओह तू ही सिलेंडर कर दे शेर आप कहना शेर नहीं हुंदा कोई आप कहना शेर नहीं हुंदा पहली गल सुन ला कोई प्रूफ कर दे मैं टोटी मारी अज तक जिंदगी च कदे टोटी नहीं मारी गांडू वाले काम नहीं करदा मैं जयपाल वर्गा होना गौंडर वर्गा होना तेनू भी पता मेनू भी पता ये ना बढ़िया सिलेंडर कर दे
ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਂ? ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਿੱਦੜ ਦੀ 100 ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਭੈਣ ਜੋ, ਇਹ ਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੁੱਕ ਕੇ? ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਤੈਨੂੰ? ਭਈਆ ਸਮਝ ਦੇਣੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਰੋਇਲ ਦਾ ਰੋਇਲ ਲਾਈਫ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖ ਭੈਣ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ, ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ? ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ? ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਬਹਿ ਜਾ ਚੈਨਲ ਜੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀਰੋ ਸਮਝਦਾ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੀ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਤਾਂ ਤਰਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜੀ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏਗਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਦੋ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਵੱਲ ਬੋਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਗਾਲਾ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਖਰੜ ਮਾਰਤਾ, ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਅੱਧੇ ਖਰੜ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਖਰੜ ਮਰ ਮਰਵਾਤਾ। ਜੱਸੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਚਿੱਟਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਸੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਸੀ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੌਂਹ ਖਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਤੂੰ ਦੀ ਸੌਂਹ ਲੱਗੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਸੌਂਹ ਖਾ ਲਾ। ਜੈਪਾਲ ਦੀ, ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਤੂੰ ਜੱਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ, ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਫੀਮ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਭੈਣ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਇੰਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੇ ਮਾਇੰਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੁੱਦੂ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। जय श्री राम, जय महाकाली। साथियों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आईएसआई का पालतू हरविंदर सिंह रिंदा, जो कि मुझे पाकिस्तान के नंबर से लगातार धमकियां दे रहा है, पंजाब का ये दरिंदा गैंगस्टर जो कई निर्दोष लोगों की हत्या कर चुका है, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे साथियों की हत्या करने की जो बातें कर रहा है, कह रहे हैं मैं गोलियां मारूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं ऐसे गीदड़ धमकियों से नहीं डरता। मैंने इस संबंधी पंजाब पुलिस में माननीय एसएसपी साहब को दरखास्त दे दी है, मुझे अपने जिले के एसएसपी साहब और हमारे डीजीपी साहब में पूरा विश्वास है और पंजाब पुलिस में पूरा विश्वास है
कि जैसे और गैंगस्टरों का सफाया हुआ है तेरा भी सफाया हुआ है, इसलिए सरेंडर कर दे। लो जी इस पूरे मामले के विच सीधा संपर्क करते हैं जी निशांत शर्मा के नाल। जी निशांत जी बहुत बहुत स्वागत है दैनिक पंजाबी टीवी तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा ते तुहाडी टीम दा जी। जी निशांत जी एक ऑडियो जी है एक रिकॉर्डिंग जी तुम पेश भी की कंप्लेट भी की है कि रिंदा जरा गैंगस्टर उन्हें तो धमकाया है तो उन्हें तो किस तरीके अपनी इंट्रोडक्शन की कि मैं कौन हाँ। मैनू लगातार पाकिस्तानी बस कॉल नंबर तो कॉल्स आ रही सी, मैं सीरियसली ले रहा सी, कई कॉल्स आ रही ने, मैं आम तौर पर ब्लॉक लिस्ट पा देना। पिछले दिन ही लगातार पांच सात दिन तो कॉल्स आ रही सी, जो मैं कॉल सुनी तो कॉल करने वाला कहता मैं रिंदा बोलना, मैं कौन रिंदा, मैं किसी रिंदे जानता नहीं, कहता मैं गैंगस्टर बोलता रिंदा जरा पाकिस्तान तो बोल रहा धमकिया देने लग गया। मैं तेन तेरे साथी अरविंद गौतम कमलजीत सिंह कमल खन्ने तो जो सीनियर जर्नलिस्ट ने साड़ी पार्टी के मीडिया एडवाइजर ने सोनू राणा जी, असि मैं इन्हों की हत्या करना चाहना, कहना तुम सुधर जाओ तुम बंद कर दो खालिस्तान के खिलाफ बोलना। मैं खालिस्तान के खिलाफ बोलना तो मैं बंद होना नहीं, तू सुरेंडर कर दे वधिया रहेगा बस। इस बारे कहना तेरे बंब ला उड़ा देंगे, ए कर देंगे वो कर देंगे पित्तल उतार देंगे, पाकिस्तान तो रिंदा बोल रहा किसी चैनल च कहना मैं इंटरव्यू भी दिता है, फिर मैं आवाज ही मिल के देखी किसी चैनल की जी इंटरव्यू जयपाल वर्गे या विक्की गोंडर वर्गे दविंदर बवीहे वर्गे हाल एदा होना है जी। इस तो पहला भी गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा ने तुहानू इसे तरीके थ्रेट किया, चलो होर भी गैंगस्टर करते हैं पर उन्होंने गिरफ्तारी भी हो गई। हाँ जी सादा मुकदमा दर्ज होया सी थाना सिटी कैंट दे विच, थाना सिटी कोर्ट दे विच मुकदमा दर्ज होया सी और उस मुकदमे दे कुछ दिनों बाद ही पंजाब पुलिस नूं रिमांडियां तों फड़ के लियाई सी। इसे तरह जिथे मर्जी बैठा है सानूं पूरा विश्वास है कि साढ़े एस एस पी साहब मोहाली ते डीजीपी साहब दिनकर गुप्ता जी दी जिहड़ी रुमाई दे विच टीम चल रही है टीमां चल रही ने जिथे मर्जी लुकिया फिरदा, जिन्हें सरेंडर ना किया उहदा हाल भी बाकी गैंगस्टर वर्गा होना है, कुत्ते दी मौत मरणगे। नपुंसक लोग ने जी, इनोसेंट लोगों की हत्या करते ने इन्हां दा। देखो सिख धर्म दे विच मेरी उन्नी आसा जिन्नी सिंधू धर्म दे विच आ, मैं जदों इहनूं कहा वी सिख बच्चियां दा धर्म परिवर्तन होया उन्हां दिनां ते दो चार दिन पहलां दस दिन पहलां गल इशू चलिया सी कि जम्मू दे विच सिख बच्चियां धर्म परिवर्तन जबरी कराया, उहनां किन्नी गंदी गल कही है मैं बोल भी नहीं सकदा। उन्हां सिख कुड़ियां बारे मैं जनाब नूं रिकॉर्डिंग च भेजी है, चलो शायद तुसीं वी चाहो तां पाओ इन्नी गंदी रिकॉर्डिंग आ जी जी। चलो जे तां बड़ा खालिस्तानी समझदा है नपुंसक लोग ने कोई वो नहीं दीनवान नहीं है, मैं खुला चैलेंज करना टाइम बन के आए पिट पिछे बार तो जो है नपुंसक करते टाइम बन के आए, बाकी तो पंजाब पुलिस डी एंड पक्का करेगी जिनी झज विक्की गोंडर के मूंह तो निकली सी गोलियां लगन तो बाद उस तो बाद निकलेगी मूंह तो। जी दरखास्त है जी वो कि दी है जी, मैं मानयोग एस एस पी साहब नती है ओदिया कापियां डीजीपी साहब डीजीपी इंटेलीजेंस में पाइया हुई ने, मानयोग एस एस पी साहब ने कंप्लेट दी है, उन्होंने बहुत ही काबिल अफसर ने साडे मोहाली जिले के डीएसपी डी साहब उन्होंने मार्क की है और जल्दी इन्वेस्टिगेट करके इस मामले के एंड तक जाएंगे मैं पूरा विश्वास है। तो तुम्हारी सिक्योरिटी में लेकर तुम संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है सिक्योरिटी ना, मैं देखो अज तक कदम मेरा रिकॉर्ड है मैं कदम सिक्योरिटी मंगी नहीं, सरकार ने सिक्योरिटी दी हुई है अपने हिसाब से ठीक दी हुई है, जो उन्होंने लगता है बधा भी जानकारी दी किस तरीके
रिंदा के नाम के उत्ते रिंदा ने या फिर किसी होर शख्स ने उन्होंने धमकाया, हालांकि वो इस गल दे विच संतुष्ट दिखे कि वह फोन कर रिंदा ही सीगा जी बिल्कुल बंद नहीं कर सकता जी। सनातन धर्म के हक च और देश की एकता और खड़ता तोड़न वाले के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे चाहे साड़ी जान चली जाए। एम के शर्मा, फीस नहीं इनाम लवांगा, धोखा नहीं कम करांगा, माता रानी ने चाहिया ता खून दे हंजू नहीं आन देवांगा, पंडित मौलवी तो विश्वास खो चुके एक बार जरूर अजमाओ, पंडित एम के शर्मा, प्रेमी प्रेमिका नु मिलाना, सोतन दुश्मन तो छुटकारा, विदेश यात्रा च रुकावट माता पिता नु मनाना, एक बार मिलाओ फोन ते जरूर अजमाओ अपनी किस्मत, करो संपर्क 97793995956।